तो ओके तो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया दोस्तों तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है आप लोग के लिए लेकर एक छठ पूजा पर कॉमेंट सुन वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वोट किए हैं आज की हम टेलीग्राम में आप लोग से पोल किए थे और आपसे पूछे थे कि भाई किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए तो सबसे ज़्यादा आप लोग का मतलब कि वोट आया है छठ पूजा पर दोस्तों फाइनली आज तुम्हारा भाई छठ पूजा का डीजे स्टेटस का टोटल लेकर आ गया है जो आप लोग स्टार्टिंग में प्रीव्यू वीडियो में देख लिया होगा दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट विजिट कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चले सब आपको फटाफट से टोटल समझा देते हैं कैसे, कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आपको स्टेप बाय स्टेप जितना तय हो सके हमसे उतना आसान तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर लाइट मोशन को ओपन और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है यहाँ प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा एक ही लिंक मिलेगा फुल प्रोजेक्ट के नाम से मिलेगा उसी लिंक पर क्लिक के आपको आपको सॉन्ग बिटमार को इम्पोर्ट कर लेना और सेक इफेक्ट आपको एक ही में मिल जाएगा जो फुल प्रोजेक्ट रेडी बाय बायस टेक के नाम से मिल जाएगा तो इस पर क्लिक करना और दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको फॉन्ट तो पहले ऐड करना होगा तो फॉन्ट सबसे पहले ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करना है एडिट में आके यहाँ पर इस पर क्लिक करके व्यू ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर थे क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट पर क्लिक करके आप अपना फॉन्ट को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इम्पोर्ट कर लीजिएगा ठीक है और सब चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा लेकिन करना क्या है सबसे पहले दोस्तों करना क्या है इस पर क्लिक करना है और कलर फिल जाना है और ये आपको ये वाला सेलेक्ट रहेगा आपको ये वाला सेलेक्ट कर दें जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उस बाद बैक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इसको कॉपी इफेक्ट कर लेंगे कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक कर देंगे बैक करने के बाद यहाँ पे आपको आएंगे फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे कलर सुल जाके फिर से आपको ये वाला इस पर क्लिक करके और इस क्लिक करके इसको क्लिक करके इसको कर ठीक है इस प्रकार से पेस्टेट करेंगे तो फिर यहाँ पे आगे आएंगे फिर इस पर क्लिक करेंगे कलर्स फुल जाकर फिर इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे इफेट को क्लिक करके पेस्ट पेंट कर देना है फिर से सबसे पहले आपको काम करना है दोस्तों ये फॉन्ट वाला काम पर ठीक है कलर्स फिल जाकर इस पर क्लिक करके बैक करके बस इफेक्ट को आपको पेस्ट करते चले जाना इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैं कर चुका हूँ आपको भी पहले पेस्ट पेंट कर लीजिए चाहे इस पर क्लिक करें कलर्स फिल कर पहले आप कुछ भी कर लीजिए आपको मतलब करना तो काम ही है ठीक है दोस्तों ये देखिए ये हो गया अब आगे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो इसका काम कंप्लीट हो चुका है आप देखिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा यहाँ पर अपना वाटरमार्क डाल लीजिएगा तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ठीक है प्लस यहाँ क्लिक करके जो भी अपना वाटरमार्ग आपका यूट्यूब चैनल का नाम होगा चाहे अपना नाम लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर मैं कोई भी नहीं लेता हूँ आपको बाद में बता दूंगा तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक बिट को छोड़ देंगे यहाँ पर अपना लोगो लगा लीजिएगा ठीक है इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करना ये दोनों पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है कॉपी लेयर करने के बाद इस पर क्लिक करना और इसको यहाँ पर पेस्ट लेयर करना है पेस्ट लेयर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना और इसको सेलेक्ट करना फिर ऊपर के स्कॉल करना है और इसको इसको चार हो गए यहाँ पर देख सकते हैं चार होने के बाद इस पर कॉपी लेयर कर लेना कॉपी लेयर करने के बाद ऊपर के स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट लेयर कर देंगे पेस्ट लेयर करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर छोड़ देना एक बीट और फिर से आपको अगले बिट पर आकर फिर से इसको पेस्ट लेयर करेंगे और छोटा बड़ा होगा तो आप काट लीजिएगा लेकिन यहां पर छोटा बड़ा नहीं होगा फिर यहां पर आगे हो चुका है यहाँ पर तैयार फिर इधर आएंगे और फिर इसको क्लिक करके फिर से आपको पेस्ट लेयर करना है आप देखिए दोस्तों यहां पर आपको बीट यहाँ पर हो चुका है सही से और लग चुका है और यहां पर क्लिक करके यहां पर ही हो गया फिर इधर एक बीट छोड़ के फिर से आपको यहां पर पेस्ट करना है ठीक है आपको डबल डबल पेस्ट करते चले जाना होगा यहां पर देखिए बड़ा हो जाएगा ये साइज देख सकते हैं तो इसको सबसे पहले कट करना होगा बीट के हिसाब से इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करके कट कर देना ठीक है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करके फिर से इस पर कट करना है दोस्तों ये हो चुका है फिर से ऊपर के स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको रेडी हुआ मिलेगा फिर आपको यहाँ पर एक दोस्तों तो आपको इससे मिला लेना होगा ले जैसे जैसे मिला रहा हूं और इससे बड़ा होगा तो इसको कट करना है ठीक है इस प्रकार से जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आपको भी इसी प्रकार से करना होगा तब आपका वीडियो मतलब कि रेडी होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको कट करना होगा और जो यहाँ पर बड़ा होगा इसको चालू कर देना होगा ठीक है ऊपर के स्क्रोल करना अब देखिए यहाँ पर डबल मतलब दूसरा लेयर आ चुका है तो यहाँ पर भी काम करना है यहाँ पे एक बीट मतलब कि यहाँ पे एक बीट छोड़ देना फिर यहाँ पे बीट मतलब कि एक और बिट आपको छोड़, छोड़ को लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करना फिर आपको यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देना यहाँ पर हो जाएगा डबल बीट पर लगे और इसको कट कर देना ठीक है कट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको इसको भी कट कर देना है कट करने के बाद यहाँ पे फिर से ऊपर के स्क्रोल करना और एक बिट को आपको छोड़ देना कि यहाँ पर यहाँ पर कोई लेयर नहीं मिलेगा आपको एक बिट को छोड़ छोड़ के लगाना है ठीक है दोस्तों आपको इस प्रकार से आपको लगाना है एक बिट

यहाँ पे और लास्ट ही मेरा पोजीशन यहाँ पे एक फोटो है तो छोड़ देंगे एक बिट है क्योंकि एक बिट तो हम लोग को छोड़ना है तो एक बिट है ये ऑलरेडी छूट चुका है तो ठीक है अब यहाँ तो काम हो चुका है अब देखिए अब क्या करना होगा इसमें आपको फोटो लगाने के लिए सबसे पहले करना होगा यहाँ पर 4.5 पॉइंट फाइव का रेसी वाला फोटो ठीक है फोटो साइज के 4.5 पॉइंट फाइव का रेसी वाला फोटो कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना है ऊपर वाले पे कलर सुल जाना और इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फोर पॉइंट फाइव के रेसी वाला फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा ठीक है इस प्रकार से जैसे मैं फोर पॉइंट फाइव के रेसी वाला यहाँ पर मैं फोटो रखा हूँ इस हाँ पर क्लिक करके यहाँ पे प्लस के आइकन क्लिक कर दूँगा ठीक है ये हो जाएगा अब बैकग्राउंड में नौ पॉइंट सोलह के रेसी वाला फोटो लगेगा यहाँ पर आप कट करके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे में आपको नौ पॉइंट सोलह का रेसी वाला फोटो लगेगा तो यहाँ पर आप नौ पॉइंट सोलह का रेसी वाला फोटो लीजिएगा कलर सुलझाना इस पर क्लिक करके आपको नौ पॉइंट सोलह का रेसी वाला कोई भी फोटो यहाँ पर चूज कर लीजिएगा तो मान लीजिए मैं दूसरा फोटो यहाँ पर ले लेता हूँ नौ पॉइंट सोलह का रेसी वाला ठीक है इस प्रकार से ये मेरा नौ पॉइंट सोलह का रेसी वाला foto रहा ठीक है इस पर क्लिक करके प्लस ये क्लिक कर दूंगा तो ये बैकग्राउंड में फोटो हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से फिर आपको आगे भी इस प्रकार से कलर है इस पर सॉरी यहाँ पर कॉमेंट सुन कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे ये यह सब रेडी है आपको इस पर क्लिक करना है कलर से जाना आपको फोर पॉइंट फाइव का रेशी वाला कोई भी फोटो यहाँ पे ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर मान लीजिए फोर पॉइंट फाइव के रेसी वाला फोटो है तो यहाँ पर ले लिया फोटो बैकग्राउंड में आपको नौ पॉइंट सोलह का रेसी वाला कोई भी फोटो यहाँ पर ले लीजिएगा ठीक है यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी नौ पॉइंट सोलह का रेसी वाला फोटो यहाँ पर चूज कर लीजिएगा ठीक है ये हो गया फिर सुपर के स्कॉल करना है कोई भी आपको साइज नहीं लेना है आपको नौ पॉइंट सोलह और फोर पॉइंट फाइव का रेसी वाला फ़ोटो आपको ऑल्ट मतलब कि सब में लेना है ठीक है इस प्रकार से आपको सारा में मतलब कि खाली रिप्लेस करना होगा इस पर क्लिक करना कलर सुन जाना इस पर क्लिक करके बस आपको फोटो को यहाँ पर रिप्लेस कर लेना होगा ठीक है इस प्रकार से ये हो जाएगा फिर आपको अगले भी इस प्रकार से करते चले जाना होगा और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको करना होगा कहाँ यहाँ पर एक लेयर अभी बच्चा हुआ है यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ऊपर के स्कोर करते हैं और यहाँ पर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर नहीं देखते हैं कहाँ से ये लेयर हम लोग का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला लेयर तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है इस पर दो पक क्लिक करना दोनों पर क्लिक करके पहले यहाँ पे कॉपी लेयर का लेना होगा यहाँ पे आगे आ जाना होगा और नेक्स्ट जो बट छुटा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल बीट लग चुका है फिर यहाँ पर नेक्स्ट छुटा हुआ है तो इस पर क्लिक करके फेस्ट लेयर कर देंगे और इसको कट कर दीजिएगा बड़ा हुआ और छुटा हुआ तो यहाँ बड़ा हुआ तो कट कर लीजिएगा फिर ऊपर के इसको करेंगे और यहाँ पर दो बीट को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर डबल डर पर हम लोग लगा चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप ऊपर के स्लाइड करके यहाँ पे लग चुका है फिर यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर छुटा हुआ है बीट तो यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देंगे फिर यहाँ पर डबल बिट है यहाँ पर छोड़ के फिर यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देंगे और बड़ा छोटा होगा दोस्तों अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर हो चुका फिर यहाँ पर भी पेस्ट लेयर करते हैं फिर यहाँ पर भी मतलब कि आपको स्टेप बाई स्टेप सारा कर लेना होगा जैसे आपको यहां पर देखिए लास्ट तक मैं कर लेता हूं यहाँ पर लास्ट तक मैं कर लिया ठीक है मान लीजिए करने के बाद यहाँ पर करना क्या होगा इसमें पर पहले कट कर लेगा क्लिक करके ठीक है आपको इस प्रकार से पहले फोटो को कट कर लेना होगा ठीक है यहाँ पर हो गया अब इस पर क्लिक करना इसमें फोटो कैसे लेगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में आते हैं और यहाँ पर फोटो लगाने के लिए आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसमें फोटो लगाना होगा ठीक है आपको तो यहाँ पर ऊपर के स्क्रॉल करता हूँ मैं पहले यहाँ पर साइज में आ जाता हूँ स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊंगा यहाँ पर ठीक है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का नहीं यहाँ पर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ठीक है आपको भी इस प्रकार से देखना होगा तो यहाँ पर देखते यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाला पर क्लिक करना है एडिट ग्रुप पे आ जाना है और यहाँ पर आ जाना के बाद सॉरी यहाँ पर एडिट ग्रुप पर नहीं आना है आपको ऊपर के स्क्रॉल करना है पहले आपको बताता हूँ कहाँ पर काम करना है आपको तो यहाँ पर मेरा कहाँ गया वो देखना पड़ेगा खोजना पड़ रहा है यार तो यहाँ पर मेरा है ठीक है तो यहाँ पर देख हैं यहाँ पर आ चुका है ये यहाँ पर भी नहीं है यार कहाँ गया यहाँ पर ठीक है ऊपर केस कोल करते हैं आपको बताता हूँ कैसे फोटो इसमें भी लगाना है तो इस पर क्लिक करना नीचे वाला पर और यहाँ पे कलर भी जाना इस पर क्लिक करके आपको नौ पॉइंट सोलह के रेशियो वाला फोटो लेना है ठीक है अब मात्र नौ पॉइंट सोलह का रेशियो वाला कोई भी फोटो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा यहाँ पर मान लीजिए मैं नौ पॉइंट सोलह वाला तो ये फोटो मैं चूज करता हूँ या इस प्रकार से आपको इंटरफेस नजर आ जाएगा जो आपको बन जाएगा एक क्लिक में ठीक है आपको नौ पॉइंट सोलह रेसी और फोर पॉइंट फाइव रेसी और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा उस पर शेयर कैबन क्लिक करके सारा फोटो को रिफ्लेश करके शेयर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव कर लेना होगा ठीक है तो, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सॉन्ग कमेंट करके जाइएगा हम आपको कमेंट का करें, इंतजार करेंगे